लास्ट वीडियो आपको मैंने भेजा था ऑक्सीडेशन नंबर का, जिसको आपने बहुत ही लाइक किया है, जिसके लिए थैंक यू वेरी मच फिर से। और आपकी डिमांड पे हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के वीडियोस बना रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने एक रेडॉक्स बैलेंसिंग आपको सिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा एक रेडॉक्स रिएक्शन ले रहे हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर की जो मेथड है उसी से हम सीखेंगे। ठीक है, बट याद रखना ये जो मैं स्टेप्स यहाँ पे आपको जो दे रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स अच्छी तरह उसी तरह फॉलो कीजिए। एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद आप दो तीन कॉन्सेप्ट एक ही स्टेप में लगा सकते हो, बट जब तक आप सीख रहे हो तो याद रखो कि इसी स्टेप्स के हिसाब से अगर आप करोगे तो एक भी रेडॉक्स आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं रेडॉक्स बैलेंसिंग में। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं और हम स्टेप वाइज करेंगे, जैसे हर बार करते हैं उसी तरह हम स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख के रखा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं, -2। तो 4 × -8, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे इस तरफ जाएगा तो आंसर क्या आएगा, +7। यहाँ पे जो आंसर आने वाला है दैट इज -1, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है -2, तो 2 × -4 इस तरफ जाएगा तो क्या आंसर आएगा, +4। ठीक है, नाउ BrO3 -3 × 6 -6 अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो +6 में से एक गया। ठीक है, ये -2 तो यहाँ पे आंसर आने वाला है क्या है, +5। तो ये सारे हमारे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है। तो सेकेंड स्टेप देखिए, तो सेकेंड स्टेप में जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस हो रहे हो, जिसके ऑक्सीडेशन में चेंज हो रहे हो वही एटम्स को हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं +7 में से यहाँ पे हो रहा है +4, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे हो रहा है +5। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। मैंने लास्ट टाइम भी आपके वीडियो में बताया था कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम इस स्टेप में बैलेंस नहीं करेंगे, पर हाँ कब करेंगे, जब उसके ऑक्सीडेशन नंबर में अगर चेंज हो रहा हो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसी स्टेप में हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखो ये हमने सारे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजेस लिख लिया है। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पे Mn, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी Mn एक है, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br एक एक है, तो हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो एज इट इज़ हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हमारा जो इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया है और यहाँ पे हम चेंज भी लिख लेते हैं कि हमारे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे इसमें चेंज हो रहा है +7 में से +4, यानी Mn से Mn में चेंज हो रहा है, Mn से Mn में चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। अगर +7 में से +4 रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन कितने का हो रहा है, 3 का, तो हम यहाँ पे चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम 3 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ब्रोमीन से ब्रोमीन, तो -1 से क्या हो रहा है, -1 से +5, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। -1 से +5 कितने का चेंज हो जाएगा, 6 का, ध्यान रखना, मैच लगाना है आपको यहाँ पे। ओके,
चलो तो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। देखो बहुत ही इजी है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस द नंबर, बैलेंस द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे हम 10th क्लास में करते थे एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस दो इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का आप कोफिशिएंट बैलेंस करते थे, उसी तरह यहाँ पे भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन हो रहा है वो मैं फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारा बना है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए इक्वेशन लिख लेता हूँ, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे और दोनों जगह हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे कैसे। तो उसके लिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, देखिए 2MnO4, अगले स्टेप में जो इक्वेशन आया उसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए बैलेंस हो, बैलेंस अपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमें मीडियम कौन सा दिया हुआ है, हमें यहाँ पे मीडियम कौन सा दिया हुआ है। तो एज ए आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम है। अगर बेसिक मीडियम हुआ तो हम उसके अंदर चार्ज बैलेंस करने के लिए OH माइनस और हाइड्रोजन के लिए हम क्या डालेंगे, H2O। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है, सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम चार्ज को बैलेंस कर ले, चार्ज को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या है -2, ठीक है, यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ पे चार्ज हो गया -1, तो ये टोटल चार्ज हो गया यहाँ पे -3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 और यहाँ पे है -1, तो इसका मतलब यहाँ पे -3 और यहाँ पे -1 है। और चार्ज अगर बैलेंस हमें करना है तो OH माइनस है, तो कितने OH हम किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो यस, आपने करेक्ट सोचा है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है, तो हम कहाँ पे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हम OH माइनस रखेंगे, कितने, तो 2OH माइनस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम क्या ऐड करेंगे, 2OH माइनस यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा 2OH माइनस हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं, हम हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 0 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन ये हमारे इक्वेशन का ही पार्ट है, तो यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको क्या डालना है, पानी। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, क्या करेंगे हम, सेव वाटर यानी जितने हाइड्रोजन की जरूरत हो उससे आधा पानी डालेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अगर लेफ्ट साइड हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो उससे आधा पानी डालेंगे, यानी 2 हाइड्रोजन से आधा यानी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम 1 H2O को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर अब तक सब कुछ राइट है, ठीक है, अगर अब तक सब कुछ राइट है तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस होंगे। अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो आपका रेडॉक्स बैलेंसिंग करेक्ट है जा रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 2, 4, 8 प्लस यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल का 1, तो टोटल यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है। चलो देखते हैं हमारा राइट है कि नहीं,
टू टू जा फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, यस हमारा ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करेक्ट है। दैट मीन्स हमने यहाँ तक अब तक जो भी कैलकुलेशंस किए हैं वो सारे करेक्ट हैं। तो अब हम फाइनली आंसर लिख लेते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या है। देखिए तो टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस बी आर माइनस प्लस एच टू ओ, क्योंकि ये एच टू ओ इस साइड जो एच टू ओ हमने ऐड किए हैं, ठीक है, ये एच टू ओ हमारे इक्वेशन का ही पार्ट है, उसको हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे 2MnO2 हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन जो था वो था 2MnO2 गिव्स क्या था, किसी से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो MnO2 प्लस हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था BrO3 माइनस, और राइट साइड आपको फिर से बता देता हूँ, देखो हमारे कितने OH- माइनस ऐड किए थे, हमने 2OH- माइनस ऐड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2OH- माइनस, यहाँ पे 2OH- माइनस हम लिख लेते हैं प्लस 2OH- माइनस। तो देखिए हमारा रेडॉक्स बैलेंस हो चुका है कम्प्लीटली, ठीक है। आप इसको भी नीचे नंबर ऑफ एटम्स आप बैलेंस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2Mn है, ठीक है, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करना, हम ऊपर देख लेते हैं, तो अब हम हमारा आंसर आ चुका है, हम सिक्स स्टेप में जा रहे हैं। सिक्स स्टेप में हम क्या लिखेंगे, सिक्स स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हमारा जो भी आंसर यहाँ पे आया है वो आंसर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो उसके लिए आंसर लिख लेते हैं 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O गिव्स क्या है, 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ये हमारा आंसर है 2MnO2। फाइनल आंसर क्या था हमारा, 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। अगर आप चाहो तो यहाँ जो लास्ट जो आंसर है उसमें भी आप नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2Mn है, 2Mn है, यहाँ पे 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9 ऑक्सीजन, 2 टू जा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 Br 1 Br, ठीक है, दैट मीन्स एवरी थिंग इज कम्प्लीट। तो हमारा रेडॉक्स जो है वो बैलेंस हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी गोइंग है, अगर आप ये सिक्स स्टेप्स को अगर आप सारे सिक्स स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका रेडॉक्स कभी भी गलत नहीं होगा। ये सारे के सारे सिक्स स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपका रेडॉक्स सारे स्टेप्स को आप अच्छी तरह फॉलो करो। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाता है उसके बाद दो तीन कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट में लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। बट अगर आपने स्टेप वाइज किया है तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आप कहीं पर भी मिस्टेक हो जाती है आपकी तो आप फाइंड कर सकते हैं कि किस स्टेप में आपकी मिस्टेक। अगर आपने दो तीन कॉन्सेप्ट एक ही स्टेप में लगाए हुए हैं तो जब भी मिस्टेक होगी तो आपको पूरा फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे इस मेथड का बेनिफिट ये है कि आप अपनी मिस्टेक इजीली पकड़ सकते हो और उसी स्टेप से करेक्शन करना चालू कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं। तो ऐसे और वीडियो बनाने की ज़रूरत है या नहीं वो आप हमें सजेस्ट करें। अगर पॉसिबल होगा तो एक दो और रेडॉक्स इसी मेथड के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी जैसी भी आपकी इच्छा होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें।